टाइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे अहम बात, जो मुद्दा हम उठाए हैं, वो मुद्दा किसी राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है, वो मुद्दा किसी राजनीति का केंद्र नहीं है, वो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा सरोकार जनता से है। जी हाँ, वो मुद्दा जनता का ही है, कोई अलग मुद्दा नहीं। जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, कब उठाएगा, जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी विपक्ष की कहें या जनता के प्रतिनिधियों की कहें, जिम्मेदारी नेताओं की कहें या प्रशासन की कहें, जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की कहें या जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों की कहें, पर जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है। और अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते तो जनता के मुद्दे स्वयं खत्म हो जाते। मुद्दे तो हमारे देश में तमाम हैं, मुद्दे हमारे देश में कई हैं। मुद्दे हम कभी अगर पानी की बात करते हैं, कभी सड़क की बात करते हैं, कभी बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी गरीबी की बात करते हैं, कभी योजनाओं की बात करते हैं, और कभी हमारे देश में ऐसे मुद्दे हावी हो जाते हैं जिनका देश से सरोकार तो है पर जनता का जरूरतों से उनका सरोकार कतई नहीं है। देश हमारा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, देश हमारा विश्व की सबसे बड़ी बुनियाद है, देश हमारा विश्व में एक ऐसा शिखर पर पहुंचने की तैयारी में है जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं और लगातार हमारे देश की कूटनीति पर भी चर्चा होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर कूटनीति पर चर्चा नहीं होगी तो फिर विश्वगुरु बनने के सपने का क्या होगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, हम चर्चाओं की बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, पर विकास बिना जनता की अच्छाई के, बिना जनता के सुविधाओं को दिए हुए कैसे हो सकता है? सड़क बनती है, धस जाती है, सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, गरीबी दूर करने के लिए कौशल विकास की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। और अगर सरकार व्यवस्थाएँ कर रही है तो कहीं ना कहीं उन व्यवस्थाओं पर जो अधिकारी हैं वो पलीता भी लगाते नजर आ रहे हैं। पर अगर सरकार से कोई कमी हो रही है या जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं तो इसमें गलती किसकी? गलती सामाजिक संगठनों की, गलती विपक्ष की, गलती जनता के प्रतिनिधियों की और गलती उन राजनेताओं की है जो केवल केवल राजनीति के लिए चर्चा करते नजर आते हैं। गलती उन लोगों की है जो केवल सत्ता के लिए घमासान में शामिल होते हैं और गलती केवल उनकी है जो केवल धार्मिक मुद्दों पर बोलना चाहते हैं, जनता के मुद्दों पर उनको अगर बैठाते हैं तो वो बोलना भी जरूरी नहीं समझते। और तभी स्थिति ये बन रही है कि हमारा देश तो विकास की बात पर आगे बढ़ रहा है, विकास की बात लगातार कही जा रही है, तमाम ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो देश के जो प्रतिष्ठा को बढ़ाते नजर आ रहे हैं, पर जो जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। सरकारें विकास की बात करती, सरकारें योजनाओं की बात करती हैं, सरकारें समीक्षाओं की बात करती हैं और सरकार बेहतर प्रबंधन की बात करती हैं, पर जब पानी गिरता है तो ऐसी प्रबंधनों की पोल खुल जाती है। जब पानी गिरता है तो गड्ढे हो जाते हैं, जब पानी गिरता है तो बाढ़ आ जाती है। ये बाढ़ नदी की नहीं, केवल जब वर्षा केवल 4 से 5 दिन होती है तो सड़क नजर आती है कि शायद वो बाढ़ में बदल चुकी है। कारण बेहतर सीवेज ना होना, कारण केवल केवल जो प्रबंधन है वो हवाई होता है। हम द्रोण से निगरानी करते हैं, हम नाले की सफाई करते हैं बरसात के पहले, पर वो सफाई कैसी होती है? अगर कागजों में होती है तो निश्चित रूप से जो बाढ़ आती है, जो जमीन पर पानी बहता रहता है, वो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ चीज़ें तो हो रही हैं पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों से सरोकार अब संभव नज़र नहीं आता। यहाँ पर जनता का मुद्दा कौन उठाएगा, जनता की बात कौन करेगा और जनता से, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जनता के लिए कौन लड़ेगा, कि धरातली संघर्ष अब नज़र आता नज़र नहीं आता। कि अगर सत्ता बेहतर काम करती नजर नहीं आ रही है तो विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी होगी और फिलहाल
विपक्ष ये भूमिका को कैसे निभाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आमिर साबरी भाई वरिष्ठ पत्रकार अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से मीसम भाई अपना पक्ष रखेंगे, सुभाषपा से दयाराम भार्गव भाई अपना पक्ष रखेंगे और इरम रिजवी जी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो नेता सपा से रहेगा। मीसम भाई, धरातली संगत बहुत ज़रूरी है। अभी हाल में हमने देखा एक धरातली स्तर के नेता, 55 साल के राजनीतिक सफर वाले नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। जो संघर्ष उन्होंने किया था वो संघर्ष बताता था कि वास्तव में संघर्ष ऐसे होता है। तभी आप पार्टी बनाने के बाद 3 बार सरकार, 4 बार सरकार बना लेते हो, ये संघर्ष की ही देन थी। पर वो संघर्ष अब जनता को नजर नहीं आता और वो धरातल पर भी कम नजर आता है। संघर्ष क्या केवल सोशल मीडिया के माध्यम से होता रहेगा? अगर हम केवल धार्मिक मुद्दों पर लड़ते रहेंगे, अगर हम केवल धार्मिक मुद्दों की बात करते रहेंगे, अगर हम केवल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखते रहेंगे तो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? मीसम भाई जी, गौरव जी, जो आज आपने प्रतिष्ठा का विषय का जो माध्यम बनाया है जनता के मुद्दे से, मुझे लगता है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए इससे सच्ची श्रद्धांजलि और कोई हो ही नहीं सकती जी। आज की डिबेट मुझे लग रहा है कि जैसे गंगा अपने जो सूरत पूरब की जगह पश्चिम से निकला हो, क्योंकि आज की डेट में वाकई जो बात सच है वो कोई भी हो, जनता के सीधे उसको लाभ से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं जी। और जिस तरह का जो एक माध्यम बन गया है मीडिया के द्वारा जनता के बीच में नफरत फैलाने का, मुझे लगता है वो इस तरह से अगर फलता और फूलता रहेगा तो कहीं ना कहीं इसके बहुत दुर्गम परिणाम आने वाले हैं। भाई मैं मीडिया के द्वारा क्या बोल रहा है? आप लोग ना, आप अगर मीडिया बनते हो ढाती, आप बनना चाहिए डिबेट में। देखिए, ऐसा है कि जैसा भी आप मूवी को बना करके जनता के सामने पेश करोगे तो जनता के बीच में वही चीज जाएगी। जिस तरह के लोगों को आप बैठाओगे जो ये चाहते ही नहीं है कि देश में हिंदू और मुसलमान, देश में आपसी वैमनस्य भाईचारा फैले, जब इस तरह के लोगों को आप चुनाव नहीं करोगे, आप जनता के मुद्दों की बात और सवाल, जब आपने मुझसे जनता से जुड़े सीधे सवाल किए तो मैं जवाब आपको यही दूंगा ना जी। मैं जवाब आपको ही थोड़ी दूंगा चीन में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा जी। तो जब आप इसी बात को, अगर आप जैसे कि अभी किसी मदरसे से जुड़ी बात करना कर दोगे, आप किसी धार्मिक उन्माद से रिलेटेड से बात कर दोगे तो मुझे भी जवाब वहीं से ही देना पड़ेगा जी। ना कि जवाब मैं अपने मन से दूंगा। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं दोष मीडिया का भी है और उन राजनेताओं का भी है कि जिन्होंने जब वोट मांगा और जब कस्में खाई और जब विकास की दुहाइयां दी और उसके बाद उसके विपरीत संविधान भी एक मंदिर है गौरव जी, और वहां पर खड़े हो करके आप जब कसम लेते हो कि मैं विधि के विधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा, मैं जनता द्वारा चुना गया जनता के कार्यों में और जनता के प्रति आस्था के प्रति उनके लिए जो हो वो सत्यवान उतरूंगा, आखिर फिर उसके बाद जब आप कहीं ना कहीं छल और धोखा करते हो तो आप कहीं ना कहीं संविधान जैसे मंदिर के साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, आप अपने परिवार, अपने देश, अपने मुल्क के लिए धोखा कर रहे हो। और ये मुल्क सबका माँ की तरह होता है और माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। जब आप अपनी माँ के नहीं, आप अपने मुल्क के नहीं, तो आप देश में मानते हैं कि यहाँ पर विपक्ष की भूमिका जो है वो यहाँ पर सक्रिय नहीं है, मानते हैं? विपक्ष की भूमिका जब सक्रिय होती है तो हम पर इल्जाम लगते हैं कि विपक्ष हमको काम नहीं करने दे रहा। इल्जाम तो हमेशा लगेंगे। जब हम काम करने के लिए सत्ता को जब ये कहते हैं आपके, मेरी डबल इंजन की सरकार है और दोनों तरफ से हम काम कर रहे हैं, तो वो काम धरातल पे दिखाई नहीं देता है। आपने देखा कि जब बरसात होती है, वर्षा के मौसम में, तो इतने बड़े बनाए हुए एक्सप्रेसवे का क्या हाल होता है, किस तरह से जो आपकी स्मार्ट सिटियां हैं वो गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं और किस तरह से गरीबों के मकान गिर रहे हैं, लोग आम जनमानस की जान जा रही है। इस मुद्दे को छोड़ करके आप मदरसों की बात करते हैं कि यहाँ पर मदरसों में इतने आतंकवादी पकड़े गए, मुसलमान यहाँ पर ये निकले, इस तरह से जब आप डाइवर्ट करते हैं बेसिकली आपको कोई मकसद है ही नहीं। मदरसा आपका जो सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मदरसा टारगेट नहीं, इनका टारगेट स्टडी है, इनका टारगेट के शिक्षा ना मिलने पाए, इनका टारगेट है कि जब नौजवान पढ़ेगा और शिक्षा हासिल करेगा तो वो इनसे नौकरियों का सवाल करेगा। अरे वो तो आपके
डॉलर से अपग्रेड कर रहे हैं भाई, वो उनसे नहीं अपग्रेड करना और हो गया जिस तरह से सब्सिडी। अच्छा आप ये बताइए, चलिए आप यहाँ अपडेट कर रहे हैं इलाहाबाद में, तो आप अपडेट करने के बाद जो है वो छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाते चले जा रहे हैं, गरीब आदमी ना पढ़े इसके लिए आप कोई ना कोई बहाना ढूंढते नजर आ रहे हैं, और कभी ना कभी आपका नारा होता था कि पढ़ेगा इंडिया शाइन, इंडिया विश्वगुरु, तो क्या इंडिया अनपढ़ भी कभी कोई विश्वगुरु रहा है? जब देश में आपकी लिटरेसी रेट कम होता जाएगा, जीडीपी गिरती जा रही, इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी जो छवि है भारत देश के अंदर एक प्रभुत्व गणराज्य की स्थिति आपने बनाई थी, जिसमें सर्वधर्म रहता था, जिसमें हिंदू धर्म के भी अंदर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों के अंदर वासुदेव कुटुंबकम, जब एक ही परिवार है जिसमें हम वास करते हैं, और जब आप इसके विपरीत जाएंगे तो देखिए, जब आप अपनी संस्कृति के, जब आप अपनी आस्था के, जब आप अपनी संविधान के, जब आप अपनी प्रणाली के विरुद्ध जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम आपको भुगतने को मिलेगा। और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि उतनी ही राजनीति की जाए जिससे किसी गरीब का घर ना जले, किसी के घर का चूल्हा ना औंधा हो, हर किसी को रोटी और रोजगार मिले। ये इस तरह का कर्तव्य हो रहा है कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मौसी रोटी ले गई और जनता भूखी मर जाएगी। आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि आज की डेट में हम सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। हो सकता हो बाहर निकलते आपके स्टूडियो से कोई ना कोई मुकदमा हम पर लग जाए, साहब आपने हमारा नाम ले लिया। तो हमें पहले रोटी बचानी है और फिर अपने मुद्दों की, जनता के मुद्दों को बचाना है, जनता को रोटी पहुंचानी है, और फिर उसके बाद पक्ष विपक्ष, अगर देश रहेगा, जनता रहेगी, तो पक्ष भी बचा रहेगा, विपक्ष भी बचा रहेगा गौरव जी। और जब देश ही नहीं रह गया तो फिर काहे का धर्म, काहे का पक्ष, काहे का विपक्ष, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम इसी प्रयास में बैठे हैं कि देखिए, जो भी आदमी अगर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य करता है जिसमें देश टूटने का खतरा है, देश में बंटने का खतरा है, और जो अलगाववादी लोग हैं, जो चाहते हैं देश में हो, उनको इस तरह से ऑक्सीजन मिलती है और इनको इस तरह से जो है मैं कह सकता हूं अमृत वरदान मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा कम हो करके जनता के मुद्दों पर चर्चा बढ़ाई जाए और जनता के लिए काम किया जाए, क्योंकि संघर्ष करिए, हम तो मुद्दे उठाएंगे। नहीं देखिए, संघर्ष हमारा आपको तो भूमिका निभानी पड़ेगी, आखिरी दम तक जारी रहेगा। और आपने तो मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, मैंने सक्रिय नहीं होंगे मीडिया को कटघरे में। आप संघर्ष करिए, का एक बहुत बड़ा संघर्ष करिए, हम आपको देखिए, हमारी बात आप ही मीडिया पहुंचाती है, आप ही अच्छा दिखाते हैं, आप ही बुरा दिखाते हैं, आप ही सच दिखाते हैं, आप ही असत्य दिखाते हैं। जो चीज आप दिखाएंगे जनता के माध्यम से जनता तक जाएगी। आपने देखा कि इसका सबूत था माननीय हमारे नेताजी का, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का, कि उनकी आपने देखा था कि उनकी जो है वो फ्यूनरल में तमाम मजहब के लोग, तमाम कम्युनिटी, हर जात पात बंधन को तोड़ करके और सभी नेता जिस तरह से साथ आए, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी श्रेय दूंगा, उनके नेताओं को भी दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, तमाम सभी कांग्रेस की पार्टी को, आपको और सभी उन गुरुजनों को के जो हमारे वैचारिक मतभेद रखते थे, मगर मानवता के लिए वो सब साथ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक बार पूछूंगा कम शब्दों में कि सत्ता पक्ष का कहना होता है अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसकी तारीफ तो कर दी, समर्थन कर देना चाहिए, बुरा ही हो तो उसका विरोध करिए, तो आप तो अच्छाई का भी विरोध करते हैं। अच्छाई की तारीफ करना किसी विपक्ष और पक्ष का अधिकार नहीं है। अच्छा, अच्छाई वो चीज है जो अपने आप महज जनता तक पहुंच जाती है। अच्छा, और कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, फल देने वाला ईश्वर है, जनता और पक्ष विपक्ष नहीं देती। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। धर्म भाई, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। धर्म भाई, जी, आपकी तो साबरमती यात्रा शुरू हो गई है और साबरमती यात्रा का उद्देश्य पता है, लखनऊ से लेकर पटना तक चल रही है, 75 जिलों में जाएगी। पर ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो राजनीति हो रही है, गठबंधन की राजनीति हो रही है, गठबंधन टूटते हैं, इस्तीफे का दौर भी जारी रहता है, संघर्ष भी होता है, बयानबाजी भी होती है, पर जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? क्या जनता के मुद्दे केवल और केवल डिबेट में उठाए जाएंगे? क्या जनता के मुद्दे केवल ट्वीट से उठाए जाएंगे? क्या जनता के मुद्दे केवल सोशल मीडिया से उठाए जाएंगे? या जनता के मुद्दों के लिए केवल यात्राएं होंगी? भाई, जनता के मुद्दे के संघर्ष कब होगा? कोई पार्टी संघर्ष करते नजर नहीं आती है, वो बोलते हैं कि जनता हमको स्वीकारे, कैसे स्वीकारेगी भाई? जी, एक तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले जी और सभी पिछड़े पिछाड़े वंचित समाज के जिनको नेता कहते थे जी, 10 अक्टूबर को जो है निधन उनका हुआ जी, उनकी आत्मा को शांति के लिए उनको स्वर्ग में कहीं स्थान मिले जी, ऐसे महान नेता को जी पिछड़ा समाज, वंचित समाज, माइनॉरिटी समाज ने खोया है जी, क्योंकि देश में उनको हर कोई नेता कहता है।
जी ऐसे विभूति को हमने खोया है तो उसके लिए सशस्त्र नमन जी। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं जी। देखिए गौरव भाई, देश में महंगाई चरम सीमा, बेरोजगारी भी चरम सीमा, नौकरियों का अकाल है, लेकिन जब सदन में आवाज उठाना होता है तो उत्तर प्रदेश में गौरव भाई 403 विधायक हैं। अच्छा, पूरे विधायकों का, जितने लोग भी उस सदन में आवाज उठाते हैं अपने क्षेत्र का, उसका अगर उठा के देखेंगे जी। तो सुनील जो भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर समूचे प्रदेश को लेकर के, अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, अच्छा, जो गांव गरीब किसान मजदूरों की आवाज है, वंचितों की आवाज है, दीन दुखियों की आवाज है, अच्छा, जिस आवाज को चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में बैठे हमारे साथी हो, वो लोग सदन में नहीं उठाते हैं। अच्छा, आदरणीय नेता ओम प्रकाश उठाते हैं सदन में, सपा वाले नहीं उठाते, समाजवादी पार्टी वाले नहीं उठाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ भाई। हाँ, सपा बसपा के भी लोग एक एक बैठे हैं। बसपा के हैं कितने भाई? आम आदमी पार्टी बसपा के हैं कितने? बसपा का एक है। हाँ, बसपा का एक है तो ये क्या उखाड़ेगा, एक चना बाहर फोड़ लेगा क्या? अरे भाई बात बताइए, समाजवादी पार्टी 111 है ना, मैं बताता हूँ, सुनिए। जब सदन में आपने देखा होगा, इसी सदन में जी, जो विधायक उसमें जाके अपने सदन, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना चाहिए, वो सदन में सो जाते हैं या वो वीडियो देखते हैं। अच्छा, उसके लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आप दिलंबन की मांग कर लेते हैं, क्यों नहीं किया आपने? अपने क्षेत्र की तरह सो रहे थे, काम करने का काम। दूसरी बात जी, अब हम आते हैं कि मुद्दा कौन उठाएगा। अच्छा, देखिए गौरव भाई जी, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, हाँ, 26 सितंबर से, हाँ, अनवरत हर जिलों में, हाँ, हमारी सावधान यात्रा चल रही है। मुद्दे उठाने गए कि बताने का काम कर रहे हैं, संपर्क करने गए 75 साल से। अरे मुद्दे उठाने गए, समर्थन जुटाने गए, चाहे विपक्ष हो, केवल प्रबोधन देकर आपके वोट लिया, आपके हक अधिकार को देने की जब बात आती है, जब सत्ता पक्ष या विपक्ष के जो विधायक है, आपकी आवाज जब सदन में गूंजनी चाहिए, अच्छा, आपकी आवाज बनना चाहिए विधायक को, तो विधायक वहां नदारद होता है या सदन से बाहर चला जाता है। दयाराम भाई, ये बड़ा दयनीय स्थिति है। अच्छा, 403 विधायकों में सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायकों के साथ में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जब सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं गौरव भाई, तो उसी सदन में बैठे हुए सत्ता पक्ष के लोग, उसी सदन में बैठे हुए विपक्ष के हमारे साथी, वही भी उनका साथ नहीं देते। ये बड़ा दुख का विषय है। आप विधायक बन के आ गए, जनता ने आपको चुन दिया, चाहे हमारी पार्टी साथी तो आप ही के थे पहले, अन्य पार्टी चुनाव से पहले जी, साथी तो आप ही थे, अब क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे आपको? मैंने कब कहा आप जोड़ के वहां पर प्रचार करने गए, संघ में चुनाव लड़े हैं, परिणाम आज अलग हो गए। हाँ, नहीं, देखिए हम अलग नहीं हुए। अच्छा, आप ध्यान रखिए, उन्होंने निकाला है भाई गठबंधन, तो उन्होंने अलग किया है, तो बयान दोगे निकाले जाएंगे भाई। तो ये जी जी, जब आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी के द्वारा छोड़ा गया, अच्छा, तो भारतीय समाज पार्टी नहीं छोड़ी है, पहली बात क्लियर है। दूसरी बात अब सुन तो लीजिए, देखिए जिन नेताओं को, सांसद हो या विधायक हो, हमारे देश में या प्रदेश में जो विधायक होते हैं, देश के सांसद होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो एक बार अगर चुन लिया जाता है तो आजीवन उसको पेंशन मिलता है। अच्छा, और उसको महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन उसी महंगाई भत्ता को लेकर के गौरव भाई, जब हम क्षेत्र की जनता की बात करते हैं, उनकी समस्या की बात करते हैं, हमारे आज प्राथमिक विद्यालय में अपना महंगाई भत्ता पेंशन छोड़ देते दोबारा वाली, आप शुरुआत कर दीजिए। गौरव भाई, मेरी बात सुन लिया जाए, बड़ी अच्छी बात मैं कह रहा हूं, बोलिए 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 बोलिए, सुन रहा हूं, बोलिए गौरव भाई, बोलिए। चूंकि देखिए, हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं नेताओं को दिया जाता है, चाहे हमारे नेता का हो, चाहे सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, विधायकों को सारी सुविधा दिया जाता है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं में अगर आप चले जाएंगे, 40-50 बच्चों पर, चाहे एक से लेके पांचवी क्लास है, उसमें 6-7 क्लासों में 2 मास्टर 3 मास्टर, आप ये बताइए, अगर विधायकों को इतनी सुविधा दिया जा सकता है, क्या प्राथमिक विद्यालय में 50 बच्चों या 40 बच्चों पर एक शिक्षक नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है, दिया जा सकता है। इन्हीं शिक्षकों के साथ में 69,000 पिछड़ी जात के शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे 12,360 शिक्षक भर्ती घोटाला हो,
करो भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के 304 विधायकों में से हमारी पार्टी को छोड़ करके कोई भी विधायक आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर का सदन में साथ नहीं देता। ये बड़ा दयनीय विषय है दयाराम भाई, बड़ी लच्छेदार तो भाषण हो गया, हो गया, हो गया, लेकिन हम इनकी समस्याओं को सब उठाने का काम करें। ठीक है, ठीक है दयाराम भाई, पर मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि वास्तव में इतना गलत हो रहा है तो सावधान यात्रा की जगह यहाँ पर सावधान संघर्ष कर लेते और अच्छा लगता। सावधान यात्रा आप देखिए हम बता रहे वो भी आएगा, संघर्ष भी आएगा, संघर्ष भी आएगा। सावधान यात्रा के माध्यम से हम जनता में यही समस्या बता रहे हैं। अच्छा, कि सरकार में बैठे हुए सरकार के लोग सावधान हो जाए, पक्ष में हमारे साथी लोग आपकी आवाज क्यों नहीं उठाते। अगर समाजवादी की बात करें या बसपा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चार चार बार सरकारें लोगों की रही है। अच्छा, तो क्या ये व्यवस्था लागू नहीं होना चाहिए था? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पूर्व राज के देश के रक्षा मंत्री, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट उनके कार्यकाल में बनाई गई थी। जी, लेकिन उनकी सत्ता चली गई जी, तब से सपा और बसपा की चार चार बार सरकारें रही। अच्छा, इस मुद्दे को क्यों नहीं सपा और बसपा के लोगों ने उठाया, क्या इनको लागू करने का काम किया? तो ये लोग इन मुद्दों को केवल ज्वलंत बनाए रखते हैं, उनका हल नहीं निकालना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इरम जी, आपने सबकी बातें सुनी, आपकी पार्टी भी लगातार संघर्ष के लिए जानी जाती है। मैं तो निश्चित रूप से बोलूंगा कि अगर हम विपक्ष की भूमिका देखें, भले ही हमारी पार्टी को यहाँ विधानसभा चुनाव में कोई खाता नहीं खुला, कोई सीट नहीं मिली, पर देख रहे लगातार यहाँ पर संघर्ष किया जा रहा है, किस तरह देखती है और जनता के मुद्दों को उठाने की जो कवायद है उसमें आम आदमी पार्टी को कहाँ पाती है? धन्यवाद आपको दूंगी कि आपने एक जनता के मुद्दे पे आज बात करने के लिए अपने चैनल पे रखा है और सभी आज सारे लोग मजबूर हैं जनता के मुद्दे पे बात करने के लिए। तो आप कहीं ना कहीं बधाई के पात्र हैं कि लोग अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए जो कहते हैं टीवी पे बैठकर मुर्गा लड़ाओ वाली वो करते हैं और डिबेट कराते हैं, लेकिन आपने जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों पे बात करने के लिए जो आज मौका दिया है, तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जी। और आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रदेश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं और एक टॉपिक आपने रखा है। सबसे पहली बात बेरोजगारी जो है उस पर कोई बात होती नहीं है जी, भ्रष्टाचार पे कोई बात होती नहीं है जी, और लोग सिर्फ ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में ये हुआ था और बीजेपी में ये हुआ था। अच्छा, सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, यही समस्या है बड़ी, यही समस्या तो है। ठीक की बात नहीं होती जी, बात ये है कि बिल्कुल नेताजी को मैं भी मानती हूँ और मैं उनको भी नमन करती हूँ कि वो जो है बहुत वाकई जमीन से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है, पार्टी संघर्ष करते हैं जमीन पर, अब तो संघर्ष दिखते ही नहीं है हमको। जी जी बिल्कुल, संघर्ष करते हुए थे और उनके बेटे कमरे से ट्वीट करके करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों में बहुत फर्क है कि बाप ने इतनी, नेताजी ने इतनी ज्यादा वो की है कि संघर्ष किए हुए और बेटा आज समाज को जरूरत है और उसको लेकर कहीं अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी में कहीं संघर्ष करते नजर नहीं आते हैं, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे रोजगारी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कहीं पर भी नहीं दिखाई देते। अब बात करते हैं जो हमारी अभी मौजूदा सरकार है जी, तो वो तो वादे करती है जी, जैसे उन्होंने वादे किए थे कि अरे इरम जी बारे में, ठीक है बारे, मेरा कहना ये है धरातरी संघर्ष कब होगा? मैं धरातरी यहाँ पर जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है, सरकार क्या करती, सरकार ने क्या, वो नहीं सुनना है। मेरा मुद्दा केवल ये है कि जो विपक्ष की भूमिका में है वो लोग जनता के मुद्दे के लिए संघर्ष कब करेंगे, जनता के मुद्दों के लिए यहाँ पर उठाएगा कौन, ये मुद्दा मेरा आज का। बिल्कुल सही बात है गौरव भाई कि इस पे संघर्ष, आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। आपको मैं उसी टॉपिक पे मैं आना चाह रही थी कि आपने देखा कि प्रदेश में 3 जगह चुनाव हुए और हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिजली फ्री देंगे और उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि अगर हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन योगी जी ने सदन उसमें जाकर बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ बात अगर संघर्ष की करते हैं, जहाँ बात अगर पब्लिक की करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी करती है। अच्छा, और करती नहीं है, करके देती है। अच्छा, और ये नहीं करते सपा वाले, नहीं करते हैं, लोगों को बिजली पंजाब में फ्री दी है। अच्छा, और इसी दम पर हम गुजरात में भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस
तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्रोथ हो रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बना रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के मुद्दों को लेकर ही हमने ये काम किया है। आज जनता हमसे जुड़ रही है, तो जनता ये कहीं ना कहीं हमने देख रही है कि अगर कोई परिस्थितियों को बदल सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही बदल सकती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रामनिवास भाई, थोड़ा समय से लगा, मुद्दा यह है कि जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? आप तो सत्ता पक्ष में हैं और यहाँ पर अच्छाई है उसका समर्थन भी होना चाहिए, बुराई का विरोध भी होना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि आज तक जो हम देख रहे हैं कि राजनीति सत्ता के लिए हो रही, राजनीति यहाँ पर धार्मिक मुद्दों के लिए हो रही है, पर कहीं ना कहीं जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो उस पर अभी धराती संघर्ष नज़र नहीं आ रहा है। किस रूप में देखते हैं? गौरव जी, निश्चित रूप से जो इधर 5-6 सालों के बाद जी, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी की, प्रदेश में योगी जी की सरकार जी, सरकार आने के बाद जी, जनता के हितों में जो उनके निर्णय हो रहे हैं जी, उसकी वजह जनता का समर्थन जी लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में है जी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि लगातार चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है जी। रही बात विपक्ष की, क्योंकि जनता के हितों में जी हमारी सरकार काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है जी, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, मुद्दा ही नहीं है। इसलिए विपक्ष जो है अनावश्यक कभी धार्मिक मुद्दा, कभी कोई ऐसे मुद्दे उठाती है विपक्ष जो है, और खासकर ट्वीट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ये 6 साल योगी जी को होने वाले हैं, 8 साल केंद्र सरकार में मोदी जी को हो गए, आपको कहना है आपकी, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल सड़क पर संघर्ष नहीं करता, क्योंकि संघर्ष करे कैसे वो? अच्छा, जनता को समर्थन है नहीं उसको, अच्छा, क्योंकि जनता को अच्छी तरह पता है कि हमारे हित में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो मोदी जी की सरकार कर रही है, योगी जी की सरकार कर रही है, इसलिए जनता का जो समर्थन उनको नहीं मिलता है, अच्छा, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जनता के बीच में जाके संघर्ष करें। अगर कहीं हमने गलत किया होता या हमारी सरकार ने गलत किया होता तो निश्चित रूप जनता उनके साथ जाती, उनका समर्थन करती, जैसे 8 साल पहले या उत्तर प्रदेश में 6 साल पहले विपक्ष के साथ जनता रहती थी, हम लोग संघर्ष करते थे, लाठी झंडे चलते थे, विधानसभा घेराव करते थे, मैं तो कई बार मार खाया पुलिस का और अस्पताल में भर्ती रहा, ऐसी नौबत न उत्तर प्रदेश में आ रही न देश में आ रही, क्योंकि दोनों सरकारें जनता के हितों में काम कर रही। अच्छा, इसीलिए जब इनका जनता का समर्थन को प्राप्त नहीं है तो किसके सारे संघर्ष करेंगे भाई? ट्विटर एक ऐसा माध्यम है, अकेले बैठ के बेडरूम में बैठ के आप ट्वीट कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सड़क पर जाने के लिए जनता का समर्थन चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, वो तो है नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा चाहे अखिलेश जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, कोई भी व्यक्ति सड़क पर संघर्ष करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता को समर्थन ही नहीं जी। क्योंकि जनता को अच्छी तरह पता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार हमारे हितों में काम करे, इसलिए उनके साथ है। चलिए, मुद्दा ही नहीं है बता रहे हैं। आमिर भाई, महत्वपूर्ण विषय है, आपके मूल्यांकन के बिना तो ये संभव ही नहीं है। कैसे देखते हैं भाई? रामनिवास भाई बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया काम हो रहा है, इनके पास मुद्दे ही नहीं है, और कह रहे हैं विपक्ष जो है वो लाठी डंडे खाने डरता है, आना नहीं चाहता है रोड पर, सड़क पर दिखाई नहीं था संघर्ष, किस तरह देखते हैं आमिर भाई? बहुत शुक्रिया गौरव जी जो आपने इस चर्चा में शामिल किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दे दूं आपको और आपके चैनल को साधुवाद देता हूं कि आपने लीक से अलग हट करके ये मुद्दा चुना जी। दरअसल धर्म धार्मिक मुद्दों पर बहुत डिबेटें होती रहती हैं, कभी किसी विषय पे, कभी किसी विषय पे, लेकिन ये जो आपने आज मुद्दा लिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा है जी। और इसीलिए मैं आपको साधुवाद भी दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद भी अदा करता हूँ, आपका भी, आपके चैनल का भी। देखिए अभी जो मुद्दे की बात हो रही, तो मुद्दे की बात यह कि आप प्रदेश छोड़ दीजिए, सिर्फ लखनऊ में एक मोटरसाइकिल लेके घूम लीजिए जरा सा, तो आपको इतनी हालत खराब मिलेगी सड़कों की जिसकी कोई इंतजार नहीं, और उसके ऊपर हेलमेट को लेकर के पुलिस वाले चालान कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात, अजीब सी बात लगती है कि पुराने लखनऊ में आदमी 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकता, वहाँ हेलमेट के चेकिंग के नाम पर वसूली हो रही है। अच्छा, ये स्थिति हमारे लखनऊ की है। प्रदेश तो खैर बहुत बड़ा है, 72 डिस्ट्रिक्ट 74 डिस्ट्रिक्ट है, जाने दीजिए, हम सिर्फ लखनऊ के मुद्दों की बात कर रहे हैं। तमाम, जब से मैं विशेष तौर से ये बात बता दूँ कि योगी जी ने जब से ये कमीशनी लागू करी है, पुलिस एकदम बेलगाम हो चुकी है। अच्छा, ये जनता के मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ जी, बिल्कुल। स्थिति ये है कि पुलिस का काम सिर्फ दो रह गए हैं, एक वसूली करना जी, एक मकानों पर कब्जे कराना।
अभी अच्छा। ताजे मामले हैं तो करीब 8-10 मुद्दे, लेकिन 2-3 मुद्दे जो बहुत ही बिल्कुल करीब के ही वो बता दें आपको कि थाना ताल कटोरे की बात कर रहा हूं मैं आपको। एक बंदे को बिठाला जाता है थाने के अंदर, फोन करके बुलाया जाता है और थाने में बिठा लिया जाता है रात में, रात में उसके मकान पर कब्जा करा दिया जाता है, दूसरे दिन उसको 151 में जेल भेज दिया जाता है। आप बताइए, और इसकी ऐसा नहीं उच्च अधिकारियों के बाकायदे लिखित शिकायत की गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है जो मेरी जानकारी में। दूसरा मुद्दा थाना खाला बाजार का है, पत्रकार है वो भी वरिष्ठ पत्रकार है वो आदमी, एक तरफ तो योगी जी ये कहते हैं कि पत्रकारों की सुनी जाए, पत्रकारों को महत्व दिया जाए, दूसरी तरफ उस पत्रकार के मकान पर कब्जा करा दिया जाता है और उसके बाद में वो बेचारा थाने के चक्कर लगा रहा है, उसको ये धमकी दी जाती है तुम्हारे खिलाफ उल्टा मुकदमा कायम करते हैं, शराब घर बैठ जाओ। वो बेचारा, ये स्थिति है कि फोन जब मैंने करा है खाली सांत्वना के लिए तो भलभर वो आदमी रोने लगा है। आप देखिए, कोई उस किसी मतलब चारा ही नहीं है कि कैसे हालात बनेंगे और कैसे ठीक होंगे। और ऐसा नहीं कि उच्च अधिकारी को सब संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई जो अधीनस्थ बता देते हैं वही करते हैं। दूसरी तरफ पुलिस क्या करती है, एक तमंचा एक कारतूस अधिक से अधिक 2 कारतूस में उठाकर बंद कर देती है और चालानी रिपोर्ट में लिखती है कि डकैती की योजना बना रहा था। क्या गौरव भाई, ये सोचने वाली बात है कि एक तमंचा एक कारतूस या 2 कारतूस लेकर के वो डकैती डालने निकलेगा? आप बताए, पुलिया के नीचे डकैती योजना बना रहा था। दूसरा खाला बाजार का एक और बता दें कि एक बहुत बहुत गरीब परिवार है, उसकी भी व्यवस्था, उसका आदमी मर भी गया, उसने अपने आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करा रखी थी, वो आदमी मर गया। अब औरत को वसूली करनी थी घर से, तो उसने छोटे भाइयों को भी खिलाफ FIR करा दी, पुलिस ने दौड़ाना शुरू कर दिया, तो उसके जो माँ है बाप शौच करता है बेड के ऊपर, इकलौती माँ उसकी बेचारी उसको शौच कराती है, पुलिस गई डराया धमकाया और उसका मोबाइल छीन लाई। क्या हालत बना रखी है पुलिस की, आप ये देखिए, बिल्कुल बुरी तरह कमिश्नरी फेल हो चुकी है, पुलिस एकदम बेलगाम है, जिसको चाह रही है बंद कर रही है, जैसे चाह रही कर रही है। वसूली की स्थिति यह है कि अभी 3 दिन से 4 दिन से आज फिर हेलमेट के नाम पे वसूली शुरू हो गई है, मकानों पे कब्जा कराना, पुलिस का वसूली करना, कम से कम ये उच्च अधिकारियों को संज्ञान विपक्ष कैसे उठाएगा? अभी हमारे सत्ता पक्ष के नेता जी ने कहा है कि विपक्ष डरा हुआ है, लाठी डंडो डर रहा है, बिल्कुल सही बात है। जबकि अभी आप बहुत बड़ी देर से मुलायम सिंह की भी चर्चा हो रही थी, हालांकि मैं घोर मुलायम सिंह का विरोधी हूं, लेकिन बावजूद इसके एक ईमानदारी से कहूंगा कि मुलायम सिंह एक लौता नेता था देश का, जो जमीन पर संघर्ष करता, क्या बात है, नो डाउट, मैं नमन करता हूं उस बंदे को। लेकिन आज की तारीख में हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन किसी में क्षमता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे हुए हैं। ईडी से, सीबीआई से और आईबी से डर के बचने के लिए वो घरों बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है कि ट्यूटर खेल रहे हैं, जमीनी संघर्ष कतई रह नहीं गया है, और ना किसी की स्थिति है, ना इतनी किसी में क्षमता है तो जमीन पर संघर्ष करे, जो माननीय मुलायम सिंह जी क्या करते थे। जी ठीक है भाई, आप बोलना चाहती, मिथुन भाई को लेता हूँ, बोलिए। अभी जैसे बता रहे थे कि लोग, उनके पास मुद्दे नहीं है जी, कि सारे काम इतने अच्छे सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। दामले भाई, तो सबसे बोलना बड़ी है। जी जी, तो सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया कि पुलिस से लोग डरते हैं, ये भी इन्होंने भी स्वीकार किया है। अच्छा, नहीं गलत बात, मैंने नहीं कहा, तो ये कहीं ना कहीं कहा, नहीं नहीं गलत बात है, क्या ना कि आप अपने आचरण के अनुसार बोलने लगती है जी, जैसे आम आदमी पार्टी लोग खाली झूठ बोलने काम। अच्छा। जो शब्द मैंने कहा नहीं। अच्छा। उसको मेरे बारे में क्यों बोलना है? आप ही बोलते हैं, आप ही ने बोला कि मुद्दे नहीं है, लोग सड़क पे उतरते नहीं है, मुद्दे ही नहीं है तो क्या सड़क पे उतरेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि आपने ईडी सीबीआई की जांच और अपने लखे पुलिस के दम पर जी लोगों के दिल में डर बनाया है, लेकिन आपको एक बात याद होगी कि ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये आपकी लखनऊ पुलिस से डरने वाली नहीं, ये आपकी FIR से डरने वाली नहीं, ये आपकी सीडी और सीबीआई की जांच से डरने वाली नहीं। आप तो सारी चीजें करते रहते हैं, आपने अभी सत्येन जैन वाले मामले में भी आपने उनको जेल कर दिया और हमारे 40 से ज्यादा विधायकों को भी जेल में डाला, क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है। आप जी, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं आपकी जी की आवाज चली गई है। जयराम भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। रामनाथ भाई की बात बोलिए। देखिए जी, मैं गौरव भाई ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे सभी पैनलिस्ट बैठे हैं जी, लेकिन जनता के जो मुद्दे हर कोई अपना रोना शुरू कर देता है जी, लेकिन आज देश में, मैंने शुरुआत में बोला, आज देश में महंगाई चरम सीमा पे है जी, किसी की जबान नहीं खुल रही है महंगाई जी, आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, इसमें कोई भी बोल, आप आइए ना सड़क पर, आप क्यों नहीं आ रहे सड़क पर भाई?
हम सावधान यात्रा के माध्यम से हम सड़क पे ही तो हैं। अच्छा अच्छा, हमने कौन सा ट्विटर की बात किया, फेसबुक पे बात किया, इंस्टाग्राम की बात किया? अच्छा बताइए जी, हम तो सड़क पर हैं, सावधान यात्रा हम जनता के बीच में है, हम जनता में। अरे भाई, हमारी पार्टी के 6 विधायक, फिर भी हम जनता के सामने है, गाँव गरीब किसानों की बात उठा रहे हैं, उनसे वार्तालाप सामने कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, आज हमारे देश में रोजगार की इतनी जबरदस्त पड़ा हुआ है कि इसमें चर्चा कोई नहीं करता। अच्छा, आपकी समाज पार्टी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर बार बार सदन में और सड़क पर जनता में भी कहते हैं कि रोजगार परक शिक्षा लाना इस देश की मजबूरी हो गई है। 75 साल की आजादी में आज रोजगार की इतनी पढ़ाई है, अगर रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक अगर देश की और प्रदेश की सरकारें लागू कर दे तो हमारे देश में रोज तो बेरोजगारी है कम हो जाएगी। उसका मैं बताता हूँ, जैसे कक्षा 4 से 12वीं तक ट्रांजिस्टर बनाना, घड़ी बनाना, लाउड स्पीकर बनाना या कूलर पंखा बनाना और लैपटॉप बनाना, मोबाइल बनाना, ये तमाम तरह की एक विषय के ऊपर अगर एक बच्चा कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक पढ़ेगा, अगर 12वीं के बाद उसकी जो है शिक्षा खत्म हो जाती है या उसके माँ बाप उसे शिक्षा नहीं दे सकते, तो 12वीं के बाद जब वो निकलेगा बच्चा तो किसी एक विषय में वो मास्टर हो जाएगा। तो वो निकलेगा तो कहीं रोड पे, कहीं चटपट्टी या क्या आपके बाजार में, हाट में या शहर में बैठ करके अपनी जीविका यापन करने लगेगा। अच्छा, अपने माँ बाप की जो है वो दुर्दशा को सुधारने का काम करेगा, बेरोजगार नहीं होगा। अच्छा, इसकी चर्चा देश और प्रदेश में होनी चाहिए। दूसरी, आज उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है आपके चैनल पे, गौरव भाई मैंने बार बार कहा है, उत्तर प्रदेश में आप गांव में चले जाइए 7 रुपए यूनिट, शहरों में चले जाइए 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए यूनिट है, लेकिन इस यूनिट को कम कैसे हो? सत्ता पक्ष के हमारे रामनिवास यादव जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आज आगे इनके माध्यम से जो चाइनीज मीटर लगा हुआ है गाँव में। अरे भाई ठीक है राम भाई, अगर आपको लगता है बिजली का बिल महंगा हो रहा है तो आप यात्रा बंद निकालिए, जाके शक्ति भवन का घेराव करिए, क्यों नहीं करते घेराव? नहीं, आप बताइए, हम घेराव कर रहे हैं किसका घेराव? हम जनता को जागरूक कर रहे हैं ना, ये डिबेट में है कि जनता के मुद्दे उठाएगा तो कहां उठाएंगे? ट्विटर पे बैठ जाए, फेसबुक पे बैठ जाए, रोड जाम कर दे। अच्छा, रोड जाम नहीं करना, जनता को जागरूक करना है, जनता को बताना है कि आपकी समस्या को कौन उठा सकता है, आपकी समस्या को कौन लड़ने वाला है। आप लोग डर गए हैं, डर के कारण नहीं जा रहे हैं और मुद्दे ही नहीं है आप लोग पास, क्या उठाएंगे आप? ट्वीट ट्वीट राजनीति खेलते हैं, क्या कहते भाई? देखिए, जब नाटक बगैर पर्दे के दिख रहा हो तो पर्दा उठाने की क्या जरूरत? क्या बात है, देखा अभी आपने हाल ही में किस तरह से पानी गिरा और विपक्षी लोग चुपके से रात में गाड़ी में भर के पहुंचे और पूर्वांचल एक्सप्रेस के खोद डाला। अच्छा, हाँ, इतना मजबूत एक्सप्रेस वे बनाया था और चुपके चुपके रात में सारी जो विपक्षी लोग हैं, पार्टियां हैं, ये गलियां मोहल्ले रोडे सब खोदे डाल रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट सिटी को गड्ढा सिटी बनाए दे रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या करे ये सरकार सत्ता में रह करके? और रही बात रोजगार की, तो इतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इतना लोड बढ़ रहा है सरकार के ऊपर, कर तो रही है सरकार काम, PFI पे बैन लगा रही है, मदरसे खंगाल रही है, आतंकवादी पकड़ रही है, यही कर रही है, कर तो रही है, गलत कर तो सरकार का अच्छा काम कर रही है, तो मेरा फर्ज है अच्छे काम को भी गिनाना। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि गौरव भाई कि आप चाहें कि हम सिर्फ कहें साहब मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा तू। जो बात सच है वो सच है, सरकार काम कर रही है, सरकार हिंदू मुसलमान के ऊपर काम कर रही है, सरकार जातिकरण पे काम कर रही है, सरकार जो है उसमें से छान रही है, देशभक्तों को अलग कर रही है, देश के जो विरोधी है आतंकवादी है उनको अलग कर रही है। अभी सरकार उसी में व्यस्त, 2024 का चुनाव है उस पर फोकस कर रही है, 24 के बाद फिर जनता का काम करेगी। अच्छा, और डबल इंजन की सरकार है और अब की बार जो रोड बना रहे हैं उसके ऊपर आप फाइटर प्लेन भी उतार देना, जेट प्लेन भी उतार देना, वो रोड कहीं से नहीं सरकेगी। अच्छा, क्योंकि इस वक्त सरकार का जो मुद्दा है वो लोगों को बांट करके अलग करने का मुद्दा है। अच्छा, और जो बात कही हमारे रामनिवास जी ने, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, मैंने बड़ा ही मैं इनका सम्मान करता हूँ, इन्होंने कहा इनडायरेक्ट में, मजाल है कोई विपक्ष पहुंच जाए सड़क पर, हैसियत है, मिशन भी गलत बोल रहे हैं। देखिए सवाल ये कहा, देखिए डराने के दो मकसद का समर्थन नहीं, अकेले कैसे जाएंगे? देखिए अकेले ट्विटर पर बैठ के बयान दे सकते हैं, दो वर्ल्ड होते हैं, समझदार अपनी तरफ ले लेता है, हमने आपकी बात को अपने स्तर से समझ लिया, जनता ने अपना समझ लिया, आपने अपने समझ लिया,
भाई अभी यहाँ पर जो है वो कोई नाश्ता गौरव भाई अभी रिबेट के बाद हम लोगों के लिए लगाते हैं, तो यही अगर वो कहें कि ये नाश्ता है आप लोग इसको खा भी सकते हैं और ठूस भी सकते हैं, तो सवाल ये है कि अब ये यही चीज आपको खिलाने कई बात है, यही बात रामनिवास जी ने कही कि भाई देखिए ऐसा है कि घर भी ले जा सकते हैं, घर भी तीसरी बात भी हो सकती है। अब इन्होंने कहा विपक्ष में जो आपकी इच्छा हो, देखिए एक बार समझ लीजिए हैसियत हो तो आ जाइए, अब इसी में आप ये सोच दीजिए कि या तो हैसियत मेरी जनता के आप मुद्दे उठाने की नहीं है और या मेरी हैसियत आपके जनता के आगे नहीं है। मैंने कहा कि आप हमारे जनता का समर्थन नहीं, जो ये भाई लोकतंत्र में आप जनता का वोट मायने रखता है, लगातार आप हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, कहीं कहीं वो काम कर रहे थे, अभी बार आता है वो बड़ा पुराना आता है, इनके पास अखबार वही चला आ रहा है जो आज से दो चार पांच साल पहले भाजपा लिखती थी ना कि नेताजी ट्वीट 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 करते हैं और लेटेस्ट न्यूज इनके पास नहीं आती। अभी विधानसभा के देखा किस तरह से शेर दहाड़ रहा था, अपने सारे विधायकों को लेकर के मार्च कर रहा था, अब ये इन्हें नहीं दिख रहा था, या हो सकता हो कि जो आप पार्टी है उसने जो इनको गॉगल दिया हो उससे सिर्फ देखने के लिए बाहर का बंद हो अंदर ही देखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जिस तरह से अगर हम इतना विरोध नहीं करेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे, तो आपका भी वजूद उत्तर प्रदेश में रहेगा नहीं। अच्छा। और ना ही कोई आपकी अभी कोई जमीन इस तरह की है कि जो आप अपने संघर्षों की कोई दास्तान लिख पाइए। अभी आप निकले हैं अंडे से, बाहर आए हैं, अभी आप संघर्ष करिए और हमारे पद चिन्हों पर चल करके और नेताजी के पद चिन्हों पर देखिए ऐसा है आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसी धरती है चुनाव की जहां पास होने के बाद फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ माना जाता है। अच्छा। ये वो धरती है जहां से प्रधानमंत्री चुना जाता है और हम उत्तर प्रदेश में ही अभी इस तरह के हालात को जब तक के कमजोर है मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं कर लेंगे। जुमा जुमा चार दिन में हम जहां चाहिए वहां की सरकार बना के दिखा दे। अच्छा। आपको वो मगर हमारा मेन बेसिक मुद्दा क्या है कि अगर हम अपने देश को मजबूत नहीं करेंगे, हम प्रदेश को मजबूत नहीं करेंगे, एक ऐसा जो है वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां से हम प्रधानमंत्री देते हैं, जहां से हम मुख्यमंत्री देते हैं और पार्टी क्या सशक्त पूरे गणराज्य लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश से बड़ा प्लेटफॉर्म पूरे भारतवर्ष में कहीं तो रामनिवास भाई क्यों कह रहे हैं? आप मणिपुर के, त्रिपुरा के, वहां के, असम के अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आपको इसमें वाहवाही बटोरने की जरूरत नहीं है। जी हिमाचल प्रदेश के बन गए, गोवा के बन गए, मेन असल मुद्दा यह है कि हम चाहते हैं कि एक आपने कहावत सुनी होगी ना कि सवाल यह है कि अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो कोई भी इमारत सफल नहीं हो पाएगी, तो हमें जो जनता का जो बेस है तो अगर यह मजबूत नहीं हुआ तो अगर आम आदमी पार्टी ने अगर सरकार बना ली है उनको बधाई, उन्होंने पंजाब में बना ली, दिल्ली में बना ली, और दिल्ली में उनकी सरकार ही नहीं तो डमी कैंडिडेट लड़ता है, दिल्ली की सरकार की तो बात ही मत करिए। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो? जाहिर सी बात है वहां पर देखिए ऐसा है कि जो सरकार है उसके अंडर में कुछ भी नहीं है, वो काट का उल्लू है, मैं वहां सरकार नहीं मानता, सरकार सेंट्रल है नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वो अलग की बात है कि वहां से आप अपने जो लेटर पैड पर है उस पर मुख्यमंत्री लिख करके जारी कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा जो है वो साइनिंग अथॉरिटी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। रही बात पंजाब की, तो पंजाब जैसा सॉफ्ट कॉर्नर जहां पर आपस में सभी पार्टियां लड़ गई और वहां पर आप पर भरोसा किया गया, जनता का मुद्दा आप लेकर के आए, अच्छी बात है, अगर आपको चुना गया तो आप जनता के हक में कार्रवाई उनके लिए लड़िए, उनके लिए संघर्ष और उनको जो मूलभूत उनकी जो जरूरत है उनको पहुंचाने का काम करिए, अच्छी बात है, आप लड़िए, हम भी यही कर रहे हैं। हम किसी के मुख्यमंत्री बन जाने से और किसी का कद बढ़ जाने से हम जो है वो छोटे नहीं हो जाएंगे। हमारा काम यह है कि हम जनता, अभी जो हमारे दयाराम जी बात कर रहे थे, भाई देखिए ऐसा इन्हीं संघर्षों के बिना पर ही हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपने पार्टी में लिया, ना कि इसलिए नहीं लिया कि ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा छोड़ा नहीं उन्होंने, नहीं नहीं, सवाल ये कि देखिए उनको अगर ये लग रहा है कि हम जनता के लिए ज्यादा कार्य कर सकते हैं तो उनका स्वागत है, वो बिल्कुल करे, अगर उन्हें कहीं हमारी जरूरत है जनता को लेकर के तो हम उनके साथ खड़े हैं। हमारा कंपटीशन यहाँ पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय केजरीवाल जी से, माननीय राहुल गांधी जी से और माननीय योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से हमारा कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन
मिशन है देश की सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ना। अच्छा। हम उनसे लड़ रहे हैं, देश में जो भुखमरी ना फैले हम उससे लड़ रहे हैं। अच्छा। देश में अराजकता ना फैले हम उसके लिए लड़ रहे हैं। देश में अब कहीं किसी तरह का कोई बंटवारा और अलगाववादी ताकतों को ऑक्सीजन ना मिले। अच्छा। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बढ़ते दम तक लड़ेंगे। हमारे नेताजी ने भी हमको ये सिखाया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमको यही सिखाया है कि नौजवान, किसान, युवा, महिलाएं, अगर इनको अगर सुरक्षित नहीं रखा गया तो देश नहीं बचेगा, और जब देश नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा, और धर्म नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर आप ये क्यों बोल रहे थे कि आपको समर्थन नहीं मिलता है इसलिए आप सड़क पर नहीं आ पाते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमको और ऊर्जा बटोरनी है। अच्छा। उनको लग रहा है कि हम बड़ा विस्फोट कर देंगे प्रदेश के अंदर। अच्छा। हम कुछ बड़का कर देंगे बिरादरी, जाति, गरीब, मजदूरों, किसानों के लिए, और वो इस तरह की सावधान यात्रा करके निकाल करके अपना कर या प्रदेश का कर बड़ा कर देंगे या कुछ प्रदेश के गरीबों को फायदा पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल वो जाए, उनको उनको कोई किसी तरह का हमारा उनसे कोई विरोध ही नहीं है। भाई मैं अगर उनको ये लग रहा है तो वो जाए, उनका मैंने कहा ना कि अगर वो जिस वक्त भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आवाज लगाएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ रामनवाद भाई कह रहे थे कि आपको समर्थन नहीं मिलता है, देखिए रोड पर नहीं आते आप। नहीं नहीं, समर्थन की बात नहीं। देखिए ऐसा है कि रामनिवास जी जानते हैं कि सबसे ज्यादा लाठी खाने वाले, सबसे ज्यादा जेल जाने वाले, गांधी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हमारी पार्टी के हमारे नेता हैं। अच्छा। जो सबसे ज्यादा जेल गए, लाठी खाए और संघर्ष किया, और जो धरती पुत्र का नारा था माननीय मुलायम सिंह जी को, वो ऐसे ही नहीं मिल गया था। वो धरती के ही पुत्र थे, धरती के ही लाल थे, और उन्होंने जमीन से जुड़ करके कार्रवाई की और लोगों तक इंसाफ पहुंचाया। तो हम भी वही काम करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम संघर्ष भी करेंगे, हम जेल भी जाएंगे, और अगर किसी तरह की सरकार की जो गलत नीतियां हैं, अगर विपक्ष खत्म हो गया तो रामनिवास जी, मैं आपको आप इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार और सत्ता भी नहीं रह जाएगी। अगर विपक्ष है तो सत्ता है। ठीक है, रामनिवास भाई कुछ नहीं, भाई आमिर जी कह रहे थे कि जो है कि हम नेताजी के अनुयायी हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। निश्चित रूप से नेताजी बड़े नेता थे जी, और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने को प्रदेश में बड़ा उनका योगदान है जी। लेकिन जिस प्रकार से उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता जी, उनकी बातों को नहीं मानते। अच्छा। उनके आदर्शों का तो पालन छोड़ दीजिए, सुनते ही नहीं है जी, सुनते ही नहीं, कह रहे साहब बिल्कुल नहीं सुनते। भाई नेताजी ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, इतना बड़ा संगठन खड़ा किया, अब उसी की कमाई अखिलेश जी खा खा के खत्म कर रहे हैं। अच्छा। अपना कुछ बनाया नहीं उन्होंने जी, और अब तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, देश का, कि नेताजी हम लोगों बीच नहीं रहे। पार्टी खत्म हो गई क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी तो वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। अच्छा। अब परिवार बच्चा है, खराबी है भारतीय जनता पार्टी में, ये भी भारतीय जनता पार्टी नेताजी के रहते राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बची समाजवादी, तमाम सीनियर समाजवादी पार्टी है, समाजवादी है, एक ताकत सम्मान नहीं मिलता है गरीबों की पार्टी में, एक सोच है समाजवादी है, समाजवादी कोई माननीय अखिलेश यादव जी का नाम नहीं है, वो धीरे धीरे समाजवादी एक विजन है, समाजवादी सोच का नाम है समाजवादी, यही कारण है, और समाजवादी सोच हर नौजवानों के दिलों में है। हमने देखा हर माननीय शिवपाल होनी चाहिए, जनहित मुद्दों पर बात करना नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ बोल देना, आपके भी बड़े बड़े नेता है, हम चाहे तो उनके लिए भी बोल सकते हैं। सवाल ये कि आपने जनता के मुद्दे किया है, इनको पर्सनल डाइवर्ट करना, बात हो रही है यहाँ पर रोजगार कार की, अब ये कटाक्ष करने लगे पर्सनल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोलने लग गए, अब ये आपके बारे में, अब ये हिंदू मुसलमान करने लग जाए। अरे आपकी बात चल रही है, आप ये बताओ गड्ढा कैसे हो गया जी? ये बताओ कि स्मार्ट सिटी बता रहे थे, गड्ढा सिटी कैसे बना दिया? ये आप बताओ कि आप 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, उसका क्या हुआ? ये आप बताओ कि आप बनारस के अंदर जो है वो जो जो वहां के शिक्षार्थी उन पर आप लाठी चला रहे हो, आप उनका जो है वो क्या कहते हैं उनका शिक्षावृत्ति कम करे दे रहे हो, आप छात्रवृत्ति कम किए दे रहे हो, आप जो बोल रहा है उसे घर भेजे दे रहे हो, सीबीआई भेजे दे रहे हो, आप उसको दमन करे दे रहे हो हर उठती हुई आवाज का, आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। अखिलेश जी माल खाए जा रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, आपको इस बात का दुख हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपको भी थोड़ा सा दे दे, आप चुप हो जाए। तो हमारे यहाँ ना माल लूटा जाता है ना बांटा जाता है, जहाँ लूट रहा है बट रहा है वहां आप खा तो रहे, पिछले 6-7 साल से खा रहे हैं, 4-5 साल और खाइए, मगर कब तक जी, कब तक खाएंगे आप? भाई जल्दी आपको एक दिन इस खाए हुए जनता के हिस्से की रोटी का हिसाब देना पड़ेगा। रामनिवास जी, जानना
आपको हिसाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जनता देश जनता हमारे साथ है। अगर आप अच्छे तरीके से काम के होते हैं तो पहुँचते आप लोग उनकी सहयोग करेंगे। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए क्या ये हमारे साथ सदन में आएंगे? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला, 12,360 शिक्षक भर्ती घोटाला, पर्याप्त ना करिए ना, हमारी आवाज बनेंगे? पर्याप्त नहीं है क्या? नहीं बनेंगे। अच्छा, इसी के साथ में जब एक देश हमारा है, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री और एक संविधान है, तो हमारे देश में एक समान शिक्षा लागू क्यों नहीं होता है? क्या इसके हमारे साथ आएंगे हमारे साथी? चार चार बार सरकारें सवाल, लेकिन आज ये विपक्ष में है तो इनको सारी बातें आ रही है। अच्छा, अरे स्वर्गीय नेता जी की देन है कि आप जो आए हैं 2022 में स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में जब गठबंधन के लिए, अच्छा, तो एक तो 11 सीटें लाए हैं। अच्छा, 2017 में 44 में सिमट गई थी। ये कैसी बात कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर एक विजन लेके चल रहे हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर मान्य सीट आपने दिलवाई है, वो डॉक्टर भीमराव सीट आपने दिलवाई है, 11 आई है, जो जितने पिछड़े बिछाड़े गए हमारे महापुरुष है उनको ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, गांव गरीब किसान मजदूरों हो गया, हो गया, सावधान यात्रा हो गया, हो गया, और साथी में हो गया, हो गया, हो गया। मीतम भाई, ये सीटें आप ओमप्रकाश भाई से दिलवाए क्या आप लोगों को? 111 सीटें आई हैं। देखिए बोल रहे हैं भाई के समाजवादी से लड़ लड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली। अच्छा, समाजवादी से लड़ लड़ करके तमाम छोटी पार्टियां आसमान पर पहुंच गई। अच्छा, तो मुझे लग रहा है दयाराम भाई भी जो है वही एक सिक्का वही अपनाना चाह रहे हैं, उसी फॉर्मूले को, समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे तो प्रदेश में केंद्र बन जाएंगे। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से लड़िए, जब मौका आया आप लड़िए, आप लड़िए, आप समाजवादी पार्टी से नहीं, जिससे भी आपके विचार नहीं मिलते, जिससे भी आपका विरोधाभास है, आप लड़िए। मगर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, तीनों का आंकड़ा निकाल लीजिए, जब आप पूर्वांचल हो गए, अरे दयाराम जी, जवाब दे दीजिए, अरे भैया जवाब दे, जवाब दे लीजिए, समय कम है, समय कम है भाई, समय कम है, समय कम है, हो गया, समय कम है, समय कम है, अरे राजभर ने पूर्वांचल में पैदा किया, अरे समय कम है भाई, समय कम है, पार्टी ले भी लड़ाई हो रही है, अरे समय कम है, दयाराम जी सब मुद्दों से भटक गए, आपको मतलब भर का अटेंशन मिल गया, बात मुद्दे पर होना चाहिए, बात सामाजिक व्यवस्था पर होना चाहिए, बात कानून व्यवस्था पर होना चाहिए, अरे सुन लीजिए, अरे दयाराम जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, बात उस पर होनी चाहिए कि किसी घर में कंटेनर में 6 यूनिट है, 2 यूनिट का राशन कटा है, बात उस पर होनी चाहिए, बात लोकल मुद्दों पर होनी चाहिए, बात पार्टी लेवल पे अपने दिलों की भला क्यों नहीं लाना भाई? आप आप उठाइए, आप सपा का क्यों पल्ला देख रहे हैं? बिल्कुल उठाइए, आप स्वाभिमान यात्रा निकालिए, आप जरूरी नहीं है स्वाभिमान आंदोलन शुरू कर दीजिए, पूछना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, क्या उन्होंने ये आवाज उठाई तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका साथ नहीं दिया? या आप बात पूछ के आए हैं उनसे आप, या आपके ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको इस तरह से जो है वो प्रवक्ता के तौर पर इस मुद्दे को टीवी पर उठाने की इजाजत दी है? क्या आपने ये बात अपने किसी नेता से पूछी है? क्या आप किसी नेता की सहमति से ये बात कर रहे हैं आप? ये बड़ी बातें हैं और बड़ी बातें बड़े लोगों के मुंह से अच्छी लगती हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई दुख दर्द है तो आप विधानसभा में बात के मुद्दे को उठाइए। रिपोर्ट आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर उठाए थे तो समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक साथ नहीं दिया था। चैलेंज कर रहा हूं, बताइए किस विधायक ने साथ दिया था? सुनिए, चैलेंज कर रहा हूं, सुनिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तो क्या विरोध, समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक साथ नहीं दिया था, बताइए हमें, तो आपका विरोध किया था? आपका विरोध नहीं, नहीं आपका विरोध किया था, आपका विरोध किया था? नहीं किया था ना, तो आप तो खुद सच्चा में, आपके नेता खुद बहुत बड़े सच्चा में। अरे भाई एक बार सुनिए, एक पहलवान लड़ रहा है, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, 100 पहलवान एक साथ लड़ा दोगे? अरे एक लड़ रहा है, बाकी समर्थन में तो बैठे हैं आपके, ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, डर भाई हो गया। इरम जी अपनी बात पूरी करिए, आपका संपर्क टूट गया, बोलिए। जी, जैसे अभी कहा गया कि हम अभी जुमा 8 दिन से आए जी, हमने
उन्होंने काम क्या किया है वो भी आप देख लीजिए, और जुमा जुमा 8 दिन से आने के बाद मैंने 2 पंद्रह दिन में अपनी सरकार बनाई है, तीसरा हम बनाने जा रहे हैं। मेहनत करिए, संघर्ष करिए, मिलेगा, सब मिलेगा, फल की चिंता अलग करिए, कर्म करती रहे, संघर्ष करिए। अभी पहचान, अभी उत्तर प्रदेश में पहचान बनाइए, पहचान बनाइए। मुझे ये बीच में बोलना पसंद नहीं, ये IPL नहीं है, ये वर्ल्ड कप है, ये ICC, ये वर्ल्ड कप है, ये उत्तर प्रदेश वर्ल्ड कप है, ये IPL नहीं है, है ना, ये IPL नहीं है। अभी जगह बनाइए, अभी मेहनत करिए, अभी 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 आपका नेता बहुत कमजोर है, अभी अभी मेहनत करिए, अभी आप लोग BJP की विंग पार्टी बनी हुई है, अभी खुल करके अपना अपना लेवल लगवाइए, अभी विंग में आ रही है, छोटी पार्टी है आप, आप लोग दूसरी बात सबसे बड़ी बात बता दूं कि अभी इरम जी आपकी कच्ची है, इरम जी अभी आपकी कच्ची है, अभी आप बड़ी हो जाइए, पार्टी बड़ी करके आइए, स्कूल पे काम किया, इससे फोकस नहीं पाएंगी आप, आपके नेता भी बहुत छोटे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, उनको सपोर्ट किया जाए, करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, बढ़ेंगे, आपके नेता छोटे हैं, अभी छोटे भी बढ़ेंगे, कभी कभी बच्चों से सीख लिया करिए, अभी कभी कभी बच्चों से भी सीख लिया जाता है, अभी आपको अभी आपको बड़ों में अभी आपको बड़ों में बैठने का लाइसेंस नहीं मिला, अभी प्रदेश में पुरानी चीजें भी नई एक्टिवेट हो, ये थोड़ा सा अपने आप को एक्टिवेट कर, उत्तर प्रदेश में इरम जी नेता आपके खो जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रदेश है, आपको पता है, सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, खो जाएंगे नेताजी, अगर नेताजी यहाँ संघर्ष, अच्छी बात है, छोटे छोटे तालाबों में तैर रहे हैं, ये महाकुंभ महासागर है, यहाँ टहलेंगे, खो जाएंगे, करिए मेहनत, करिए मेहनत, करिए आपकी मेहनत, ठीक है मेहनत अपनी बात पूरी करिए भाई, आप मूल्यांकन जरूरी है, मुद्दा भटक गया भाई, गौरव जी सही बात है कि मुद्दा भटक गया और टाइम भी पूरा हो गया है। हमारा मानना यह है कि योगी जी जब आए थे मुख्यमंत्री बने थे, उनका था कि 6 महीने में पूरे प्रदेश की सड़कें सुधर जाना चाहिए, ये उनका एक आदेश था, लेकिन प्रदेश का तो हमें जानकारी नहीं, लखनऊ की सारी सड़कें आज 6 साल हो गए सुधरी नहीं कहीं से। और जहां तक मुद्दों की बात है, जमीनी मुद्दों की, तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कोरोना काल से लेकर अब तक जितना राशन बटा खाली इसकी जांच कर लिया तो करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला निकलेगा। जिसके घर में 6 यूनिट है उसको 3 यूनिट का राशन दिया गया है, और आज जब पैसा दिया जा रहा है तो भी हालात ये है कि जिसके घर में 6 यूनिट है वहां 2 यूनिट का राशन दिया जा रहा है, जिसके 5 यूनिट है उसको 2 यूनिट का राशन दिया जा रहा है। हालात ये है, ईमानदारी जमीनी मुद्दे क्यों नहीं उठाते मुद्दे भाई? मैंने बताया ना गौरव जी, विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष CBI से डरा हुआ है, ED से डरा हुआ है, क्यों? जहां विपक्ष दलदल, वजह यह है भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, जब सरकार रहती है तो आदमी फिरौन बन जाता है, रावण बन जाता है, और जब सरकार नहीं रहती वो भीगी बिल्ली बन जाता है, वो जानता है कि जरा हम बोलेंगे तो हम पे फौरन शिकंजा CBI का और ED का आ जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं वो दहशत विपक्ष रहता है। वो विपक्ष चला गया जो मुलायम सिंह का था, वो विपक्ष चला गया जो काशीराम जी का था, वो विपक्ष अब मुझे नहीं दिखता दूर दूर तक, वो विपक्ष चला गया जो लोहिया जी का था, लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, मुझे लगता है कि अब पार्टियों में भी मुर्दापन आ गया है, कोई विपक्ष नहीं है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि चर्चा महत्वपूर्ण थी और चर्चा से भटक यहाँ पर तमाम तरह की चर्चा हुई, चर्चा यहाँ पर समर्थन ना मिलने की हुई, चर्चा यहाँ पर जमीनी संघर्ष की ना होकर केवल केवल आरोप प्रत्यारोप की हुई, चर्चा यहाँ पर पार्टी की छोटी और बड़े होने की व्यवस्था पर हुई, चर्चा यहाँ पर केवल केवल विचारों पर हुई, पर चर्चा यहाँ होनी चाहिए थी जनता के मुद्दे पर, क्योंकि पार्टी जनता के मुद्दों के लिए सत्ता में आना चाहती है, समाज सेवा के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहती है, पर आज के समय में मेरे ख्याल से समाज सेवा केवल केवल सत्ता को पाना हो गया है, और जब सत्ता को पा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करने की जो मजबूरी है वो तो नज़र आती है, पर वो काम नज़र नहीं आता जिसके लिए सरकार उस कुर्सी पर बैठती है। विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर हमने देखा कि विपक्ष जिस तरह से काम कर रहा है वो अब उतना नाकाफी ही रहेगा। अगर वास्तव में आपको जनता के लिए काम करना है तो करना पड़ेगा आपको धरातल संघर्ष भी, और करना पड़ेगा आपको जनता का एक ऐसी व्यवस्था बनना पड़ेगी जिसके लिए जनता सोचे, जिसके लिए जनता आपको देखे, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती भी नहीं होगी, और पर विपक्ष की एक भूमिका है वो अब विपक्ष को निभानी पड़ेगी, चाहे लाठी चले और चाहे डंडे, अगर सड़क पर वास्तव में संघर्ष करना है तो निश्चित रूप से आपको सभी को देखना होगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, जनता के लिए अगर आपको चांद करना है काम तो आपको अब
उन सारी व्यवस्थाओं को, सोशल मीडिया को, ट्वीट राजनीति को छोड़कर यह सड़क को उतरना होगा, तभी जनता के मुद्दों का कुछ समाधान हो सकेगा। नहीं तो राजतंत्र भी ऐसे चलता है, लोकतंत्र भी है, और सोशल मीडिया और डिबेट ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।